वेलकम टू आवर चैनल योग ब्रदर्स। आज हम बात करने वाले हैं मेरा सुजुकी जिक्सर 150 के बारे में। 5000 किलोमीटर चलने के बाद ये कैसा रिव्यू देता है, ये कंडीशन कैसा है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज बताएंगे 5000 किलोमीटर चलने के बाद ये कैसा होता है। ठीक है, तो आप देखिए ये वीडियो मेरा। लेकिन वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कमेंट एवं शेयर ज़रूर करना दोस्तों। और अगला वीडियो मेरे साथ गाइस। देखिए हम चाबी ऑन किया और ये गाड़ी चल चुका है 5301 किलोमीटर। आप देख सकते हैं ये गाड़ी चल चुका है 5301 किलोमीटर। तो गाड़ी का आपका ओवरऑल रिव्यू दिखा देते हैं हम आपको, कैसा गाड़ी का लुक है। मेरा गाड़ी का उम्र हो चुका है 1 साल 1 महीना हुआ है मेरा गाड़ी का। आप देख लीजिए मेरा गाड़ी कैसा दिख रहा है ओवरऑल। अभी हम गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं और अभी इसका साउंड कैसा है 5000 किलोमीटर चलने के बाद आप सुन लीजिए। गाइज आपने सुन लिया कि इसका इंजन का साउंड कैसा है 5000 किलोमीटर चलने के बाद। तो अभी इसका फुल रिव्यू हम बताएंगे, कैसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस बाइक के साथ, मेरा सुजुकी SF150 के साथ। तो गाइज ये गाड़ी बहुत जानदार गाड़ी है, हमको बहुत अच्छा लगता है इस बाइक में राइड करने के बाद। और गाड़ी लुक्स जो है वो भी बहुत हमको अट्रैक्टिव लगता है। ज़्यादातर ये ब्लैक एंड रेड जो कलर है उसको हम बहुत हमको अच्छा लगता है, इसलिए हम इसका कलर में लिया है। इस गाड़ी जब 1 साल हो गया, अभी इंजन का कोई साउंड नहीं आया, इसलिए हम बहुत हमको अच्छा लगता है इंजन का कोई उल्टा ख़राब साउंड नहीं आता है इसके साथ। और अभी भी गाड़ी गुड कंडीशन में है, एकदम शोरूम कंडीशन पर जितना हो सके हम इसको ठीक ठाक रखा है। और इसके साथ इसका कुछ फॉल्ट हम देखा है जो हमको अच्छा नहीं लगता इस गाड़ी को, वो है इसका जो पीछे का पैर रखने की जगह है वो एकदम साइलेंसर पाइप का ऊपर में है। तो जिस वक्त उसमें पैर रखते हैं तो यहाँ पे देखिए उसका जो पैर का जो हील है यहाँ पे आता है, तो इसके वजह से इसका कलर डिफेक्ट हो चुका है।
ये है फर्स्ट इसका फॉल्ट जो हमको ये अच्छा नहीं लगा इस बाइक में। ये थोड़ा सा ऊपर दे सकते थे या सामने पीछे कहीं भी दे सकते थे, लेकिन इस कंडीशन इस जगह पे दे के ये साइलेंसर पाइप में मेरा दाग आ गया। मैं इसके लिए कुछ नहीं कर पाया हूँ। और इसका एक दूसरा फॉल्ट है इसका लाइट बहुत कमज़ोर है दूसरे बाइक के तरह नहीं है। ये बहुत लाइट कमज़ोर है और इसमें उतना इफेक्ट नहीं देता। अपर में ठीक है, अपर लाइट जो है वो ठीक है, लेकिन इसका जो नॉर्मल लाइट है ये थोड़ा सा हमको कम लगता है दूसरा बाइक के तुलना। तो इसके और एक जो हमको चीज़ ठीक नहीं लगता वो है इसका हॉर्न। इसमें एक सिंगल हॉर्न दे गया है जो इसका अंदर है, आपको हम दिखा नहीं सकते। ये अंदर में एक हॉर्न दे गया है, आप दिख सकते हैं शायद ये हॉर्न। ये इतना बड़ा बाइक में एक सिंगल हॉर्न दे गए हैं, तो ये हॉर्न हमको सही नहीं लगता। इतना बड़ा गाड़ी में दो हॉर्न देना चाहिए था, लेकिन ये सिंगल हॉर्न दी गई है इसमें। तो ओवरऑल रिव्यू इसका, अभी इंजन बहुत खुल चुका है, हमको राइड करने में बहुत अच्छा लगता है, प्रॉब्लम नहीं होता, किसी भी ब्रेकिंग कंडीशन बहुत अच्छा है। और इसका बैलेंस मुझे जो खास करके इस गाड़ी में हमको अच्छा लगता है, इसका बैलेंसिंग कंडीशन बहुत अच्छा है, क्योंकि पीछे का टायर काफ़ी मोटा है, आप देख सकते हैं पीछे का टायर काफ़ी मोटा है जिसका वजह से अच्छा ग्रिप मिलता है। और ये शॉकर हम लोग का मोनो शॉकर है जिसके वजह से हमको अच्छा ब्रेकिंग अच्छा सस्पेंसर मिल जाता है। और सामने का टायर भी इसका बहुत मोटा है जिसके वजह से गाड़ी का बैलेंस सही से बना रहता है। सो गाइज, मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे लाइक कमेंट या शेयर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरा गिक्सर का बारे में कैसा लगा, पहला वीडियो मेरा है और कुछ भूल चूक हुआ है और कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो ज़रूर बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ठीक करके आपके पास साथ हम शेयर करेंगे। और अब तब तक लिए बाय, खुदा हाफिज़ एंड गुड बाय, अगले वीडियो में ज़रूर देखा होगा आपके साथ।